तो यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं मम्मी का मेरा फेवरेट अचार, मम्मी के हाथों से बना हुआ। तो मैंने सोचा आपके साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ। यहाँ पे आधा किलो ऐसी मिर्ची ले ली है और आधा किलो से थोड़े से कम नींबू लिए हैं। और मिर्ची जो है उसको इस तरह से स्लिट करके काट लें। एक मिर्ची को 4 टुकड़ों में काटा है मम्मी ने, बेसिकली आप देख सकते हो। यहाँ पे सारे मिर्ची और नींबू मम्मी ने काट लिए थे। नींबू को भी 4 पीसेस में काटना है। और उसके बाद मम्मी ने इसमें डाल दिया था नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हो। और इसमें डाल दी थी हल्दी। हल्दी और नमक दोनों डालने के बाद में इसको जो है धूप में सुखाया जाता है। तो पहले इसको अच्छे से मिक्स करना है। इवनली सारे नींबू और मिर्ची पे आपका जो नमक और हल्दी है वो अच्छे से लग जाना चाहिए, इसलिए अच्छे से मिक्स करें। उसके बाद में जहाँ पे धूप आ रही हो अच्छे से, वहाँ पे एक कपड़ा डालें, कपड़े के ऊपर में ये फैला के सुखा दें। बेसिकली इसका पानी सुखाना है मिर्ची का। और पानी सूखने के बाद में कुछ ऐसी हो जाती है, हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप थी, आप चाहे तो 2 दिन भी सुखा सकते हैं, हमारे यहाँ 1 दिन में सूख गई थी। फिर मम्मी ने लिए मसाले, जिसमें मम्मी ने ली थी पीसी हुई राई, सौंफ और नमक, क्योंकि मुझे यही 3 चीज़ें पसंद है इसमें। ये मेरे लिए स्पेशली बन रहा था, ज़्यादा लिया नहीं। अदरवाइज मम्मी ने इसमें बोला कि अजवाइन भी जाती है थोड़ी सी, और मेथी दाना भी जाता है, और कलौंजी भी जाती है, जो कि मुझे मुंह में आया हुआ पसंद नहीं है, क्योंकि मैं इसको सेम डे खाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो ये मसाले डालने के बाद में अच्छे से मिक्स करें, और एक जार में जो भी आपके पास में जार और डब्बा हो उसमें डाल के इसको बंद करके रख लें। अगर इसमें नींबू क्या बोले वो खट्टापन कम हो जाए, नींबू और छोड़ देना उसको। तो यहाँ पे मम्मी ने ये भी बताया कि ये नींबू और मिर्ची का अचार है। अगर आपको और खट्टा चाहिए तो आप इसमें नींबू का रस निचोड़ सकते हो, ऊपर से 1 या 2 नींबू एक्स्ट्रा निचोड़ के इसमें डाल सकते हो, ताकि और खट्टी हो जाए। मुझे इतनी ही पसंद है, मतलब मेरे हिसाब से ये परफेक्ट था मम्मी का बनाया हुआ, तो मैंने ज़्यादा डलवाया नहीं। पर अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप और भी डाल सकते हो। तो ये अचार मेरा बन के तैयार है एक डिब्बे में। ये क्विक वाला अचार है, मतलब आप तुरंत बना के शाम तक खा सकते हो। मतलब मैं तो खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे मिर्ची भी पसंद है, नींबू भी पसंद है। आप चाहो तो 2 दिन के लिए रेस्ट पे भी छोड़ सकते हो इसको। जैसा कि मम्मी ने बताया, इसमें 2-3 मसाले और जाते हैं, जैसे कलौंजी हो गई, अजवाइन हो गई, और मेथी दाना हो गया। आप चाहो तो उनको रोस्ट करके पीस के भी डाल सकते हो, मम्मी ने मुझे बताया, क्योंकि पुराना अचार उन्होंने वैसे ही डाला हुआ है। वो लॉन्ग रन के लिए काफ़ी, मतलब वो 6 महीने से पड़ा हुआ है, वो बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है। तो वैसे भी डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने बोला मम्मी को, यार जो भी है फटाफट से इसमें बना के डाल दो। तो मम्मी ने ये वाला बना के दिया, मुझे बहुत पसंद है। अभी शाम को ही मैं तो खा के इसको बता दूँगी कि कैसा बना है। आप चाहो तो, मतलब 15 दिन से ये बना बना के रखो, 20 दिन से बना के रखो, महीने भर से बना के रखो, कैसी भी सब्जी हो ये खाओ, मस्त हो जाओ उसके साथ। ये देखो, ये शूट करती हूँ ना, तो ये बच्चा जो है बिल्कुल, मतलब मेरे पैरों में खड़ा रहता है और मुझे खींचता रहता है। मैं लगा रही थी मेहंदी, तो मुझे लगा शेयर कर देती हूँ, क्योंकि इतने क्वेश्चन से डीएम्स आते हैं, आप मेहंदी कैसे भिगोते हो, कैसे लगाते हो। बेसिकली लोहे की कढ़ाई लेती हूँ, मेहंदी डालती हूँ जितनी मेरे बालों में जाती है, उसमें 1 से 2 चम्मच में कॉफ़ी पाउडर डालती हूँ, और चाय पत्ती का पानी उबाल के उससे मेहंदी भिगोती हूँ। आप चाहे तो उसमें मेथी के दाने भी डाल सकते हो और उससे भी भिगो सकते हो। तो आज मैं बालों में मेहंदी लगाने वाली हूँ। मुझे ना जितनी बार बालों के लिए कुछ भी ऐसा आता है, तो वो हमेशा पूछते हैं कि मेहंदी आप कैसे लगाते हो बालों में, अप्लाई कैसे करते हो, वो एक वीडियो बनाओ। अब यार उसका तो वीडियो मैं ऑलरेडी शायद से बना चुकी हूँ, लेकिन मैं मेहंदी लगाती हूँ तो मैं दिखाती हूँ कि हमने मेहंदी लगाई है। तो अभी आज मैं लगाऊँगी, तो मैंने भिगोने का बता दिया कि मैं कैसे भिगो रही हूँ। आप अगर किसी अभी सो रहा है तो मैं कर पा रही हूँ, अगर वो उठ गया तो मैं लगाने के शायद ही मैं जल्दी जल्दी मैं लगाऊँ या छुप के लगाऊँ रूम में, तो अगर वो शूट हो पाया तो मैं पक्का दी। तो अभी मैं लगाने जा रही थी मेहंदी, तो मैं लगाने जा रही थी मेहंदी, तो मुझे लगा कि अब सबके, मतलब ये चीज़ मुझसे बार बार पूछी जाती है, तो मुझे लगता है कि यार अब इसका एक वीडियो बना के छोटा सा डाल देती हूँ, वीडियो नहीं मतलब छोटा सा उसमें क्लिप डाल देती हूँ। तो ये मेहंदी के लिए स्पेशली होने वाला है, थोड़ा सा जो आगे के 2 मिनट है वो। तो जो लोग जैसे चेतन जैसे लोग हैं जिनको मेहंदी पसंद नहीं है और जो नहीं देखना चाहते हैं, वो स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात मैं आपको बता दूँ कि मेहंदी बालों के लिए अच्छी होती है, एज़ पर आयुर्वेदा मेहंदी बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाती है, आपके बालों को झड़ने से रोकती है, और एक नेचुरल हेयर डाई है वो आपके बालों को कलर भी करती है।
ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपको अगर ऐसा लगता है कि मेहंदी लगाने से बाल ड्राई हो जाते हैं, तो मेहंदी लगाने के बाद में नेक्स्ट डे जो आप है ऑयल लगा लीजिए, ऑयल लगा के अच्छे से हेयर वॉश कर लीजिए, आपके बाल ड्राई नहीं होंगे। और मेहंदी जो है आपके बालों को धूप से भी बचाती है, यूवी रेस से भी बचाती है, आपके बालों को डैमेज होने से बचाती है, तो वो वैसे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि आपको मेहंदी लगानी है तो आप लगा सकते हो, बाकी तो आपका मन है। मैं कैसे लगाती हूँ, मैंने आपको पूरा प्रोसेस मैं दिखा देती हूँ कि मैं कैसे भिगोती हूँ मेहंदी को, फिर कैसे लगाती हूँ, वो देख लेना और बस शुरू करते हैं। तो मैंने कैमरे को सेटल कर लिया है। सबसे पहले वो कपड़े पहने जो आपको लगता है कि मेहंदी से ख़राब नहीं होंगे आपके, और हो भी जाएंगे तो आपको चलेगा, ठीक है। ऐसे कोई कपड़े ना पहने जो आप बाहर पहन के जा रहे हो, क्योंकि इनके दाग लग जाता है ना, तो वो जाता नहीं है। सबसे पहले बालों को डिवाइड कर लें, पहले कोम कर लें, बाल अच्छे से कोम कर लें, जैसे मैंने कर लिया हुआ है। तो आप कोम कर लें और बालों को डिवाइड करके बालों का सबसे सेंटर पोर्शन लेती हूँ। मैं कैसे लगाती हूँ मैं वो बता रही हूँ। सबसे सेंटर पोर्शन लेती हूँ, बालों के पोर्शन छोटे छोटे लेने हैं, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं लेने हैं, जिससे कि बालों में अच्छे से मेहंदी लग जाए। क्योंकि ये जो मेहंदी है वो मंथ में एक बार ही लगाती हूँ मैं ऐसे पूरे बालों में, तो अच्छे से लगाती हूँ, ठीक है। ये छोटे छोटे पोर्शन लेना है, छोटा सा पोर्शन मैंने ले लिया। और हाथों में ग्लव्स पहन ले। अभी मेरे पास यहाँ पे वो वाले ग्लव्स नहीं है जो मैं यूजली पहनती हूँ, तो आप प्लास्टिक डाल सकते हैं। अगर आप प्लास्टिक डाल के कंफर्टेबल नहीं है तो आप वैसलीन वगैरह कुछ लगा सकते हैं, जिससे बालों में आपके हाथों में ज़्यादा कलर आएगा नहीं। वैसे तो अभी तो मैं ऐसे ही लगा रही हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए, बाद में मैं प्लास्टिक पहन लूँगी, क्योंकि प्लास्टिक से मैं ढंग से भी नहीं लगा पाऊँगी, ठीक है। तो ये जैसे मैंने मेहंदी ली और रूट में लगाई, मुझे इसको देख के लगाना है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये लगाई एंड देन इसको यू करते हुए पूरे बालों की पूरी लेंथ में लगाएंगे। ये आपने पकड़ा और ये देखो ये एंड तक कुछ इस तरह से लगाएंगे। ये लग गई नाउ, बाल यार बहुत बड़े हो गए आज ऐसा लग रहा है। तो अभी क्या करना है आपको, इसको राउंड से राउंड 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 घुमाना है एंड इसको रख देना है, ठीक है। ना ये सेटल हो जाएगा, इस पर आप चाहो तो थोड़ी मेहंदी और लगा सकते हो ताकि ये चिपक जाए अच्छे से। इसके जस्ट साइड वाला बाल लेंगे, वैसे ही ऐसे पोर्शन कर करके, इस साइड से एक पोर्शन ले लिया, इस साइड से ले लिया, इस साइड से ले लिया, ऐसे करके सारे पोर्शन लेंगे और एक बन बनाते रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले रूट्स में लगाएंगे, फिर पूरा बालों में लगाएंगे, ठीक है, और देन इसको राउंड एंड राउंड। The wheels on the bus goes round and round. बच्चों आने के बाद में सब कुछ ये सुनाई देता है। ये लेंगे एंड देन ये फिक्स कर दिया। मैंने बालों में हेयर कलर भी करवाया था, बट उससे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं वाइट बाल, फिर आपके पता है, और वो बहुत जल्दी चला भी जाता है। तो आप हर बार इतने पैसे खर्च करना मेरे को तो सही नहीं लगता। मतलब जैसे मेरे बालों की लेंथ अच्छी खासी है, तो अगर मैं ग्लोबल करवाती हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है मुझे, और इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ मेहंदी लगाऊँ। मैं पहले भी लगाती थी इसलिए मेरे को उतना कुछ प्रॉब्लम है नहीं। ये इस तरह से आप राउंड राउंड बना के लगाओगे तो ये आपके बाल सेटल हो जाएंगे, ठीक है, बाय। अभी मैं थोड़े से मैंने आपको दिखाने के लिए बनाए थे, अब मैं प्लास्टिक पहनूंगी हाथों में और मैं लगा लूँगी। ये देखो थोड़ी सी देर में मेरे बालों हाथों की हालत ये हो गई है, तो ये काफ़ी अच्छा कलर देने वाले बाल में। कल दिखाऊंगी कि कैसा कलर दिया है। हेयर इज द रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग हिना। ये जो कलर है ये हल्का कॉफ़ी कलर, ये मैं मेहंदी लगाने के बाद हिना लगाने के बाद आता है, ये बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। बालों में अभी हल्की सी शाइन की कमी है, ये क्योंकि मैंने अभी जस्ट मेहंदी लगाई है इसलिए ऐसा लग रहा है ये कलर। जैसे ही आप जैसे मैं नेक्स्ट वॉश करूँगी ना अभी, तो मैं नेक्स्ट डे ही कर लेती हूँ नेक्स्ट वॉश। तो वो क्या करती हूँ मैं ऑयलिंग करती हूँ, दो तीन घंटे के लिए वॉश कर लेती हूँ, तो एक बहुत बढ़िया शाइन आ जाती है उसके बाल, तो उसके बाद तो आपके बाल वाओ बहुत सुंदर हो जाते हैं। तो ये है, और हिना लगाने से बाल ख़राब नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। तो आप लोग को उस लगाने का तरीका सही होना चाहिए, अच्छे से लगाओ, अच्छे से उतारो। हिना लगाने के बाद में जब वो ड्राई हो जाते हैं तो उसको वॉश भी अच्छे से करना चाहिए, वरना बाल टूट जाते हैं। ऑफ़ कोर्स हिना सूखेगी तो
बाल टूटेंगे ना बहुत ज़्यादा। उसको ड्राई करना नहीं है कि आपने 5 घंटे रख लिया या फिर 10 घंटे रख लिया, ऐसा नहीं करना है आपको। तो इसलिए ये ज़रूरी है। और दूसरी बात ये ज़रूरी है कि और आप जो हिना भिगो के रखते हैं उसकी टाइमिंग भी ऐसी होनी चाहिए जैसे कि 2 दिन से ज़्यादा वो नहीं भीगनी चाहिए। एक रात के लिए भीगो तो बहुत अच्छी है, आप नेक्स्ट डे नहीं लगा पाते उसके नेक्स्ट डे लगा लो, बट 2 दिन से ज़्यादा अगर 3रे दिन या 4थे दिन या हफ्ते पर आप सोच दो कि और ब्लैक होते जा रही है तो वो सही नहीं है, वो आपको वो कलर नहीं देगी और वो जो आपके बालों को नरिशमेंट चाहिए वो नहीं देगी। तो इसलिए कोशिश करें कि जिस दिन भिगोए उसके नेक्स्ट डे ही लगा ले, रात में भिगोए सुबह लगा ले, या फिर 2 रातें निकल सकती है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं निकल सकती है। तो बस यही है।